अच्छा ये याद रखिएगा, फातिमा जब कोई भी बैग बताती हैं तो उसके अंदर कम अमाउंट होता है, ऐसा हुआ है अक्सर। एक बार तो करोड़ों रुपए भी निकलवा दिए थे ना आपने फातिमा किसी के। इतनी बुरी इमेज ना खराब नहीं, नहीं, मेरी, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, इन्होंने रोका था, इन्होंने रोका था कि ये बैग ना खुलवाओ। उसने खुलवाया तो करोड़ों रुपए निकल गए। मैं ये कह रहा हमारे निकल गए। नहीं नहीं, आपके तो भावजी ने निकलवाए आपके। हाँ ये इनकी भावज है। अच्छा अच्छा, भाभी तो भाभी ने ही 50 लाख भी निकलवाए और 1 करोड़ भी। अरे वाह माशाल्लाह, ये पक्का आपकी हेल्प करने आई है। बस उस वक्त इन्होंने साथ नहीं दिया था ना। अच्छा, मना कर दिया था शादी। भाभी से बोल देती ना आपको आधा तक मिल जाएगा। हाँ डील करते हैं। डील कर ले उनके साथ। भाभी ने दूसरी पॉलिसी अपनाई है। भाभी कह रही है ना तुम्हारे पास ना मेरे पास। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी मेहनत की और बड़ी जद्दोजहद के बाद नंबर्स बताए थे, लेकिन इत्तफाक की बात है उन्हें खुद नहीं पता कौन से बैग में कौन सा नंबर है, लेकिन घर जाके बहस जरूर कीजिएगा। जी फातिमा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं घर जाके लड़ाई जरूर की। नहीं नहीं लड़ाई क्यों भाई, डिटेल ले लीजिएगा कि क्या मकसद क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें, अक्सर होता है ना। ओके, नंबर 14 और नंबर 3 के साथ जा। नंबर 14, नंबर 3, नंबर 3 इन्होंने भी कहा था और नंबर 14 उन्होंने भाभी ने मना कर दिया था। अच्छा, उन्होंने मना कर दिया था फिर खुलवा लेते। भाभी ने मना कर दिया था नंबर 14 ना खुलवाएं, उन्होंने चेंज किया था, फिर इन्होंने कहा था नंबर 17, नंबर 17 तो मैंने लॉक कर रखा है अभी तक। ओके, इसमें कुछ होगा, देखते हैं क्या होता है। अभी आप बताएं 14 ठीक है जी? जी आपको क्या लग रहा है? आपने बताया तो सही हो। 14 और 3 ठीक है? वैसे पता मुझे भी कुछ नहीं है। अच्छा पता, हाँ ये तो 3 तो मैंने भी बोला था। ठीक है जी, 3 तो आपने भी कहा था, 14 भी आपने कहा था, आपकी भाभी ने कहा था, फिर आपने मना कर दिया था, तो आप खुलवा दूं? खुलवा दे, इनको भी देख लेते हैं। आपकी मर्जी है, देखने देखने के अंदर करोड़ों रुपए जा चुके हैं, आप देख लें कोई मसला नहीं है, खुलवा दूं 14? हां खुलवा। ओके जी डन, नंबर 3 प्लीज ओपन इट। पहले देखते हैं 3 में क्या है। 4 लाख, वेरी गुड। नंबर 14 प्लीज ओपन इट, 500 रुपए। भाभी जरा माइक उठाइए आप, क्या मसला क्या है, क्या कब ये सब शुरू कब हुआ, शादी के बाद कोई जुल्म हुआ था? अच्छा जब आपकी शादी हुई इनकी हो चुकी थी जी जी, ये क्या घर में ज्यादा अरसे रुक गई थी, महीना डेढ़ महीना स्टे कर लिया था शादी में? कोई बात, क्या वजह क्या है? बस शादी के बहुत बाद हुई इनकी शादी, बहुत बाद हुई है ना जी। हाँ फिर भी मतलब क्या ऐसा क्या हुआ, मुंह दिखाई के अंदर इन्हें ज्यादा अच्छी चीजें मिल गई आपको कम मिली, ये सब शुरू कहां से हुआ? हो सकता है, देखा ये यहाँ से क्या पता यही वजह हो, बैग में थे जिसका इन्होंने मना किया कि ये नहीं खुलेगा। आप चाह रहे हैं घर जाके पक्का लड़ाई करें? नहीं मैं नहीं चाह रहा, लेकिन वो तो होना है, ये तो होगा, तो ये तो होगा, मैं तो नहीं चाह रहा कि ये हो, अल्लाह मालिक। घड़ी की टिक टिक लगने लगी बबाल, चलो थोड़ा सा टिक जाएं और सबसे टॉक करें, घर बैठे पूरे पाकिस्तान को एंटरटेन करो, चाहे गाएं पकाएं खाएं, बस दुनिया को बताएं कि ये बोरियत कैसे मिटाएं। उठाएं मोबाइल और बनाएं 2 मिनट की वीडियो और इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और देखें कौन होगा विनर। टिकटॉक बॉय, टिकटॉक हीरो, टिकटॉक हीरोइन, टिकटॉक किड्स, टिकटॉक फैमिली, टिकटॉक आंटी, टिकटॉक अंकल, टिकटॉक कपल, टिकटॉक फ्रेंड्स, सिर्फ पाकिस्तानी कंटेंट की वीडियोस को ही टॉप 5 में शामिल किया जाएगा और विनर को मिलेंगे बेशकीमत इनामात। द टिकटॉक शो, घर बैठे करोड़पति, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।